सही है, चाकी चाकी जगह दिखा देना कि इस जगह पे लगा रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ आपका मेरे एक और नए व्लॉग में, वो मेरे प्ले बटन के साथ। ये रहा मेरा प्ले बटन गाइस। बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन आए, बहुत सारे मतलब बहुत सारे कमेंट आए, तो थैंक यू सो मच सबसे पहले उन सब कमेंट के लिए आप सभी का, और साथ में इस प्ले बटन के लिए। गाइस कितना बढ़िया दिख रहा है, दिन में सुबह से 4-5 बार मैं अपने हाथ में ले चुका हूँ, और अभी हमें इसे यहाँ लगाना है इन फोटो के साथ। तो इसके पीछे दो ये हैं, तो इसे इसका नाप लेके यहाँ पे कील ठोकता हूँ और फिर अपना प्ले बटन लगाता हूँ वहाँ पर, ताकि जब भी मैं व्लॉग बनाऊँ तो पीछे बैकग्राउंड में मेरा प्ले बटन हमेशा दिखता रहे। गाइस अभी 2-3 फोटो मैंने खींच लिया आज, क्योंकि कल तो बहुत बीमार हो गया तो खींच नहीं पाया था। अभी खींच लिए 2-3 फोटो, और जब अच्छे कपड़े पहनूंगा जब और खींचूंगा, ताकि अपने चैनल पर और अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पिक्चर लगा पाऊँ, डीपी लगा पाऊँ और प्रोफाइल फोटो लगा पाऊँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मम्मी ने कील दे दी है, तो ठोकता हूँ वहाँ पे कील और लगाता हूँ अपना प्ले बटन। गाइज ये बॉक्स में, प्ले बटन के बॉक्स में टिश्यू इसमें मतलब पोंछने का है, तो इस पर काफ़ी दाग से लग रहे हैं, तो वही मैं इससे पोंछूंगा। तो अभी इसे खोलता हूँ और दीदी ने ले रखा है, फिर पोंछेंगे। गाइज मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये क्या निकला है इसके अंदर से। मैं तो सोचता था टिश्यू होगा कोई जिससे ये साफ हो पाए प्ले बटन अच्छे से, जो भी थोड़े बहुत दाग लग रहे हैं फिंगर्स के तो वो साफ हो पाए, लेकिन ये पता नहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या है ये चीज़। तो इसे आप कपड़े से ही साफ करते हैं और इसे रख देता हूँ मैं संभाल के बॉक्स में। अगर आपको पता हो किसी को ये चीज़ क्या है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, बाद में देखेंगे इसका क्या यूज़ होता है। फिलहाल तो अभी प्ले बटन को टंगाते हैं। गाइस कसम से जब भी किसी चीज़ की जरूरत होती है वो मिलती नहीं, अभी हथौड़ी ढूंढ रहा हूँ। अभी परसों ही मैंने कील ठोकी थी रस्सी की, जब थी आप पता नहीं कहाँ रख दिए, ढूंढ रहा हूँ मिली नहीं थी। ये हर बार का, ये जब भी कुछ चीज़ की जरूरत होती है वो मिलती नहीं है। और गाइस देखो कहाँ पर हथौड़ी को रख रखा है, और नू मुझे नहीं पता इन्हें, और वहाँ चम्मचों के बीच में रख रखी है थोड़ी। हाँ यार, तो गाइस मैं सोच रहा हूँ ये जो बीच में हमारी फोटो है ना गाइस, कैसी लग रही जरूर बताना। ये रक्षाबंधन की है फोटो, तो मैं सोच रहा हूँ इसे यहाँ कर दूँ और वहाँ पर प्ले बटन लगाऊँ, और उसके नीचे जो सर्टिफिकेट मिला है मुझे उसे फ्रेम करवा के नीचे लगाऊँ। तो एक बार देखते हैं कैसा लगता है लगा के। गाइस अभी तो ये फोटो मैंने लगा दी यहाँ, और इसे मैं यहाँ लगाने की सोच रहा हूँ। बताओ बढ़िया, बिल्कुल ऊपर लगाता है ना थोड़ा, तो जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाएगा, जिससे ये यहाँ लगा देता हूँ। तो अब इसकी नाप लेनी होगी मुझे कितनी, एक वो ले ले स्केल सा, जियो नन्नू स्केल। अरे मैं बताऊं उल्टा। गाइस इतना निशान लगा है, ये इतना है, एक कील यहाँ ठुकेगी तो एक यहाँ, तो चलो करते हैं ऐसे कुछ लगेगा। तो कैसे लगाऊं, बहुत ज्यादा बड़ी कील हो रही है। गाइस चाची ले आई बढ़िया, मुझे वाली लगाने की जरूरत नहीं है, तो इनमें से मैंने ये दो कील निकाल लिए, तो ये लगाता हूँ। कीले लग चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट, ना हिल रहा ना डुल रहा, बिल्कुल परफेक्ट लग गया गाइस। कितना बढ़िया लग रहा है, अब देखो गाइस सही जगह लगाया ना, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। चाची कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मम्मी सही, दीदी नन्नो अच्छा। तो गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अब इसके जो मुझे इसके साथ सर्टिफिकेट मिला है वो यहाँ पर फ्रेम करके लगा दूंगा, तो एकदम बढ़िया लगेगा। पापा भी आ गए हैं। पापा कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया बढ़िया लग रहा है ना, उसके नीचे वो लग जाएगा सर्टिफिकेट।
सर्टिफिकेट ऊपर रखते हैं बेटा, नीचे नहीं। नहीं, प्ले बीच में जो जगह छोड़ी है वहाँ पे बढ़िया लगेगा लगकर। सही है। और बाद में जब अपना घर होगा, जब और अच्छे से लगाएंगे तो कैसा ही लग रहा है? कैसा लग रहा है फिर? बहुत बढ़िया लग रहा है। सही लगा दिया ना? एक नंबर। चलो गाइस, ये काम कंप्लीट हुआ, अपना प्ले बटन लग गया। यहाँ पर लग गया पीछे दीवार पे बटन, ये भी एक सपना सा ही लग रहा है, क्योंकि मैं चाहता था जब भी मैं ब्लॉग बनाऊँ तो ज्यादातर मेरा प्ले बटन भी दिखे पीछे लगा और आगे मैं बोलता रहूँ, तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। गाइस, बस एक टाइम सोचा था कि प्ले बटन हम पे भी आएगा और आज वो दिन है, दूसरा दिन है कि प्ले बटन हम पर आ चुका है, हमारे पीछे दीवार पर भी लग चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब ये एक सपना ही रहता है हर किसी का जो भी YouTube स्टार्ट करता है। मुझे भी एक साल से ऊपर का समय लगा लेकिन आ ही गया है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही। तो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा है पीछे प्ले बटन। गाइस, अभी खाना खाने बैठ गया क्योंकि रात से कुछ खा नहीं पाया था, बस थोड़ा वो पिया था ORS का पानी और थोड़ा मम्मी ने सूप बनाया था वो पिया था, और साथ ही में मुँह में तीन ऐसे छाले आए पड़े जिनसे खाया नहीं जा रहा, लेकिन भूख लग गई तो खा लेता हूँ। घिया की सब्जी बनी है जो कि मम्मी ने थोड़ी जला दी है। तो ये जली सी नहीं लग रही है? मसाला पागल, मसाला है वो जल रही है। काली काली नहीं दिख रही? थोड़ी काली दिखेगी नहीं जब उसमें वो ही नहीं है, क्या बोले चने की दाल डाल। चलो गाइस खा लेता हूँ। दही ला दे, और उसमें बनाया है उस वाली उसमें पतीले में, तो दही डाल के ही खा रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत ज्यादा जलन मच रही है मुँह में, तो दही से थोड़ा सही लग रहा है। और मम्मी भी बैठ गई है खाना खाने और दीदी भी, और इसे देखो मेरी आधी दही ले ली और कैसे खा रही है। गाइस खा लिया है खाना, अब अच्छा लग रहा है, कल से खाना नहीं खाया था मैंने। अभी दवा खा लेता हूँ मेरी, और साथ में शाम को मैं दवा भी लेने जाऊँगा क्योंकि कल मैंने ऐसे ही किया था, परसों जब डॉक्टर गया था उन्होंने कल मुझे बुलाया था और मैं टाइम पे नहीं गया, गया और फिर प्ले बटन का फोन आया, वहाँ भाग गया, तो ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई। तो अभी एक खुराक बची ये खा लेता हूँ, फिर शाम होने पर 5:30 बजे या 6 बजे तक मैं दवा लेने चला जाऊँगा, तो अभी ये खा लेता हूँ। सभी लोग सो रहे हैं और मम्मी उठ गई हैं, मम्मी बना रही है अपने लिए ब्लैक टी। भूख लग रही है? खाए से खाओगे? रोटी से। मैंने तो अभी मैगी बना के खा ली थी, मुझे भी भूख लग रही थी। लाओ मैगी तुम्हारे लिए, मेरे को पसंद है। मम्मी रोटी से खा ली, चाय पियेंगी, मैं तो मैगी खा ली थी क्योंकि गाइस खाया नहीं जा रहा मैं बहुत, एक यहाँ दाना हो रहा है, एक जीभ के नीचे हो रहा है और एक यहाँ पर हो रहा है और एक यहाँ अंदर की तरफ, तो उनसे बहुत ज़्यादा रोटी से चीज़ मत। जब भी मैंने दही डाल के वो खा लिया था तो थोड़ा सही लगा था, और अभी मैगी बनाई थी उसे भी मैंने बिल्कुल ठंडा करके खाया तो खाया गया, और फिर दवा भी खा ली। अब उठ जा, चल, मम्मी उठा रही है, उठ जा, मम्मी बुला रही है, जा चल। कितने 5:30 हो गए, वो तक दीदी भी उठ गई, सब उठ गए, कहाँ उठी है? आँख तो खोल सही से, आँख खोल के दिखा। मम्मी, मम्मी तो उठा रही है। तू उठना कब से, तो तेरे को चिल्ला रही हूँ मैं, उठ रही हूँ। कब उठेगी? 5 मिनट बोले थे तूने। मुझे तो टाइम को देख के उठ जा, खाना नहीं बनाना है क्या? और गाइस अनायशा को इसलिए उठा रही थी मम्मी की वो बर्तन मान दे, सोने से पहले उन्हें धोए नहीं थे और बर्तन मारने का काम इसका ही है इस टाइम का, तो वो धो रही है और मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के। पापा भी साथ चलने मेरे, तो चलते हैं, पापा भी और मम्मी भी साथ चल रही, मम्मी तो नीचे बैठी है चाची के पास, तो चलते हैं पहले नीचे फिर चलेंगे वहाँ से डॉक्टर के। आ जाओ पापा। चलते हैं गाइस डॉक्टर के, पहुंच गए गाइस डॉक्टर के। गाइस मम्मी पापा वहाँ बैठे हैं। पापा बुखार को तो आराम है, छालों के लिए और कमजोरी भी हो रही है उसकी। चलो गाइस केमिस्ट के पास से ये दवा ले लूँ। चलो ले ली। गाइज अभी पापा तो चले गए घर, मैं और मम्मी जा रहे हैं जहाँ पर चाचा चाची शिफ्ट करने वाले हैं, रूम खाली करने वाले जहाँ रहते हैं, तो यहाँ कहीं उन्होंने रूम देखा है तो वो यहीं पर आए हुए हैं, तो उनके पास ही हम जा रहे हैं, देखते हैं कैसा कमरा देखा है। सही है, ये कमरा
ये मेरी भाभी है। हाँ ये तो आया था दोपहर में, देख ये मेरी छोटी देवरानी, ये भतीजा है मेरा। भाई बढ़िया कमरा लग रहा है, बट छोटा पर चाची चाचा के लिए बेहतर सही है। चाची चाची गाइस अभी घर आते ही मम्मी पापा जा रहे हैं, तो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ मम्मी पापा क्यों और कहाँ गए हैं। तो काफ़ी दिन से मेरी वीडियोस पे ये कमेंट आते हैं कि दुकान की अपडेट दो, दुकान कब खोलोगे, क्या हुआ दुकान का, दुकान नहीं खोलोगे तो चैनल डाउन हो जाएगा, दुकान नहीं खोलोगे हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, मतलब बहुत से कमेंट आते हैं। तो मैंने परसों वाली वीडियो में कह दिया था कि आने वाले एक दो दिनों में मैं आपको अपडेट दे दूँगा दुकान के बारे में। तो अभी आपको आपने जैसे देखा, मैं मम्मी चाचा चाची के साथ कमरा देखने गए थे, चाचा चाची के साथ शिफ्ट होने वाले हैं। तो जैसे हम घर में आए तो पापा को जूस वाले अंकल का कॉल आ गया था, क्योंकि पापा ने जूस वाले अंकल से कह रखा था कि किसी से वो भी बात करें ताकि हम वह दुकान लगा पाए। तो जूस वाले अंकल ने किसी से बात करी तो उन्होंने मम्मी पापा को वहीं पर बुला लिया, तो इसलिए मम्मी पापा बहुत जल्दी करके वहाँ गए। अब गाइस वहाँ पर बात होगी तो पता चलेगा क्या प्रोसेस है क्या नहीं, और क्या बात करके आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का, आप सभी लोगों ने मुझे इतना सारे कॉन्ग्रेचुलेशन भेजे कल वाली वीडियो पर, देखकर दिल खुश हो गया, इतने सारे कमेंट आए, सबके मैंने लाइक करने की कोशिश करी है, और इसमें मैं आप सभी को थैंक यू सो मच बोल रहा हूँ, दिल से शुक्रिया सभी लोगों को, सभी मेरे सभी सब्सक्राइबर को, क्योंकि आप लोगों की बदौलत ही ये सिल्वर प्ले बटन आया है। पूरा एक साल अप्रैल में मैंने खोला था अपना चैनल, अप्रैल मई, एक साल एक महीना लगा मुझे मेरा फर्स्ट अवार्ड पाने के लिए, और अभी पेमेंट तो नहीं आई पर जल्दी आ जाएगी एक दो दिनों में, और मेरा फर्स्ट अवार्ड मेरा सिल्वर प्ले बटन तो आ चुका है, तो वो आपकी बदौलत हुआ है और एक साल एक महीने की मेहनत की बदौलत। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इतने सारे कमेंट करने के लिए। मैं देखता था लोग अनबॉक्स कर रहे हैं, मैं सोचता था क्या फीलिंग होगी यार, ये मतलब दिमाग मतलब ऐसा सोचता था कि मतलब मुझे मिलेगा तो क्या फीलिंग होगी, और सही में मैं वो फीलिंग आपको बयान नहीं कर पा रहा हूँ। बस दिन भर सिल्वर प्ले बटन आ गया, इसे देख रहा हूँ बार बार, मतलब बहुत खुशी हो रही है, और ये खुशी आपकी बदौलत मिली, तो आपको एक और बार थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही आपका सपोर्ट बनाए रखो। और दुकान की मैं अपडेट अभी आपको थोड़ी बहुत देर में दे दूँगा जैसे मम्मी पापा आएंगे। गाइस आ गए हैं मम्मी पापा, तो अब बताओ क्या बात हुई, लगाने देंगे? हाँ हो गई बातचीत, और हमने डेट रखी है 5 से 6 तारीख की। अच्छा उसी जगह जो जगह ब्लॉग में हमने दिखाई थी, पर वो बुलाया उसने, बोला कल आके मुझे जगह दिखा देना कि इस जगह पे लगा रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें डन करूँ या ना करूँ कल बताऊंगा मैं। कल पता लगेगा, कल उन्हें जगह दिखाएंगे और क्या रहता है, कल आपको कल वाले ब्लॉग में पता लग जाएगा। तो चलो ये तो खबर सुन के अच्छा लगा कि हाँ भाई लगाने मिल जाएगा। तो गाइस अब आप जितनों के भी गाइस क्वेश्चन थे कि दुकान की अपडेट दो, तो अपडेट ये है गाइस कि आपको कल वाला ब्लॉग और देखना है, ताकि मैं पूरा फाइनल आपको बता दूं कि हाँ हम लगा रहे हैं, लगाएंगे तो, लेकिन कल जगह दिखा दें हम उन्हें कि इस जगह पे लगाएंगे, और फिर कल फाइनल हो जाएगा। तो ये खबर बहुत अच्छी लगी मुझे तो सुनकर, बैठ गया मैं खाना खाने, दवा भी खानी है मुझे। खाने में आज बने चावल और साथ में बैंगन की सब्जी, कई दिनों बाद बनी बैंगन की सब्जी, तो चावल के साथ खा लेता हूँ। तो अब करता हूँ मैं इस ब्लॉग का एंड, आई होप तो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, सिंपल ही ब्लॉग था अपने सिल्वर प्ले बटन के साथ। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।